आपने फ़ोन में हर सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रखा है, लेकिन ज़िंदगी में हर नई चीज़ का मजाक उड़ाने लगते हैं लोग। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के बजाय उसका मजाक बना देते हैं। अगर आज से 40 साल पहले कोई स्मार्टफोन की बात करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते, आज से 50 साल पहले अगर हवा में उड़ने वाले ड्रोन की बात करता तो भी लोग उसका मजाक उड़ाते। हर वह चीज़ जिसका मजाक बनता है वह गलत नहीं होती, कभी कभी वह चीज़ भविष्य बन जाती है। इसलिए अपने आप को समय के साथ बदलना शुरू कर दो, आने वाले टाइम में दुनिया आगे निकल जाएगी, आप वहीं रह जाओगे। इसलिए समय के साथ अपने अंदर चेंज लाना ज़रूरी है। एक बात याद रखना, अपनी मंजिल का कभी किसी दूसरों से रास्ता मत पूछना, क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर कोई काम तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो उसे ज़रूर करना, क्योंकि अगर आसान होता तो कोई भी कर लेता, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं होती। एक बात को हमेशा याद रखना, जीवन में अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि चांद और सूरज दोनों चमकते हैं लेकिन अपने अपने वक्त पर। हर इंसान को कुछ ना कुछ खास होता है, अगर वह जो कर सकता है उस पर ध्यान दे तो ज़िंदगी बदल सकती है। जब भी हार मानने का मन करे तो अपने आप से एक सवाल करना, तुमने क्या सोचकर शुरुआत की। इस दुनिया में पैसे तो लाखों लोग कमाते हैं, लेकिन कोई लाखों में एक ही होता है जो दूसरों के दिलों पर राज करता है। एक बात याद रखना, इस ज़िंदगी की दौड़ में कभी रुकना मत, धीरे भी चलोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर रुक गए तो एक ज़िंदगी की दौड़ आप हार जाओगे। हारने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हार मानना सबसे बड़ा अपराध है। तुम अपनी ज़िंदगी में तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार स्वीकार नहीं कर लेते। इस ज़िंदगी की रेस में पार होना बहुत मुश्किल है, अगर दृढ़ संकल्प और मेहनत की है तो इस दुनिया में आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात याद रखना, अगर कुछ बड़ा करना है तो इस दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो कि यह दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का काम ही है सफल होते इंसान को रोकने की। जब भी आप कुछ अलग या कुछ बड़ा करोगे तो दुनिया तुमको पागल कहेगी, लेकिन जिस दिन लक्ष्य तक पहुंच गए तो यही दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी।